Sorry, kittens, only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम पार्क फिलर्स, मेरा नाम जिला सुभान है और आज मैं आपको यारिस के बारे में ऐसे पांच फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं गाड़ी के अंदर सबसे पहले फीचर के बारे में जो कि है इस गाड़ी के अंदर ड्राइविंग मोड्स। इस गाड़ी में तीन मोड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आता है इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और एक नॉर्मल मोड। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये हमें गाड़ी बता रहा है कि इस वक्त पार्किंग में है। ये हम जब इको मोड को बटन को दबाएंगे तो ये इको मोड ऑन हो जाएगा। हम इसको दोबारा दबाएंगे तो गाड़ी नॉर्मल मोड में आ जाएगी और उसके बाद नीचे स्पोर्ट्स मोड है, तो अगर आप स्पोर्ट्स के बटन को दबाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस फिर इनहेंस हो जाएगी। और गाड़ी के अंदर जो दूसरा फीचर है जिसके बारे में आपको बताता चलूँ वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल अवेलेबल है जिसकी वजह से गाड़ी अगर आपकी स्किड करे तो ये गाड़ी की जो पावर है उसको कंट्रोल करती है और गाड़ी को स्किड होने से बचाती है। ये चीज़ आपको सेफ्टी फीचर्स में बहुत हेल्प करती है क्योंकि गाड़ी स्किड नहीं होती और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके किसी हादसे का सबब नहीं बनती आपके लिए। यारिस के अंदर एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम भी आपको मिलता है जो कि MID डिस्प्ले होता है। ये इसके स्पीडोमीटर के अंदर होता है जिसके अंदर आपको गाड़ी के टोटल एवरेज, उसके अलावा गाड़ी कितना चल चुकी हुई है और हिस्टोरिकल पूरे मंथ का भी आप इसमें डाटा देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप गाड़ी के अंदर ये भी देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर आपने मैक्सिमम कितनी फ्यूल एवरेज अचीव की थी और आपने मैक्सिमम कितनी ज़्यादा गाड़ी के ऊपर एवरेज को अचीव किया था। अब गाड़ी के अंदर एक ये सिस्टम भी मौजूद है कि जब भी आप गाड़ी को बंद करते हैं आपको हर ट्रिप की आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने गाड़ी को कितना चलाया, उसकी कितनी एवरेज रही और क्या उसमें पेट्रोल कंज्यूम हुआ। अब मैं आपको गाड़ी बंद करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं उसने हमें बताया कि हमने इस टाइम गाड़ी, क्योंकि खड़ी गाड़ी में हमने वीडियो शूट कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमने कोई ट्रैवल नहीं किया, कितनी देर गाड़ी स्टार्ट रही, 3 मिनट, फ्यूल इकॉनमी और सेविंग्स आपको सारा उसने साथ साथ बता दिया। इस गाड़ी के अंदर आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है जो कि सब कॉम्पैक्ट किसी और कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपको ये फ़ायदा होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि बाहर गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो आप AC का सिर्फ फ़ैन को एडजस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से कभी गाड़ी अंदर से ज़्यादा ठंडी हो जाती है, कभी अंदर से गर्म हो जाती है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि हम गाड़ी को फ़ैन ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप AC चलाना चाहते हो तो आप AC ऑन कर दें और गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर जैसे टेम्परेचर रहे 22, बाहर फॉर एग्जाम्पल 44 है, तो आप चाह रहे हैं कि गाड़ी का 22 रहे या 22.5 या 23 टेम्परेचर रहे, तो हम इसके ऊपर डिजिटली उसको सेट कर देंगे और गाड़ी अपने अंदर का टेम्परेचर वो मेनटेन कर लेगी। तो इस तरह हमें ना ज़्यादा सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी, हम एक अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर सेट कर सकेंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गाड़ी को एक ऊपर चढ़ा रहा हूँ, तो इस वक्त मैंने यही नोटिस किया है कि इस गाड़ी को आप स्टीप हिल पर जाकर खड़ा करें या जब आपकी गाड़ी चढ़ाई के ऊपर हो तो आप गाड़ी के ऊपर जाकर दो दफ़ा आपने ब्रेक पैडल को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम गाड़ी रुकी हुई है और ये आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देती है, फिर पीछे जाती है। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है कि आपको गाड़ी पहाड़ी इलाकों में चलाते हुए आपको बार बार हैंड ब्रेक नहीं खींचनी पड़ती। ये मेरे दोनों हाथ आप देख सकते हैं और गाड़ी उसी अपनी जगह स्टिल है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है और बहुत यूज़फुल है। इस तरह आप डबल ब्रेक पर 2 दफ़ा पैडल को हिट करें, गाड़ी उसी जगह पर स्टिल हो जाती है और रेस दें ताकि आपको टाइम मिल जाएगा और गाड़ी आपकी चल पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये फीचर्स अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस भी मिल सकें। और अगर आप इस तरह की गाड़ियाँ यूज में लेना चाह रहे हैं तो यूज़ यारिस भी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सी अवेलेबल होंगी। और अगर आप स्पेक्स एंड फीचर्स देखना चाह रहे हैं तो न्यू कार सेक्शन को विजिट कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।